जब देर रात बिगड़ी मंदिरा बेदी के पति राज कौशल की तबीयत अस्पताल पहुंचने से मामला बिगड़ गया। बीते रविवार को प्रोड्यूसर राज कौशल ने घर पर दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी, जिसमें वो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर इस पार्टी के दौरान की कई तस्वीरें सामने आई। इस पार्टी में जहीर खान, सागरिका, आशीष चौधरी, नेहा धूपिया और अंगद बेदी जैसे सितारे शामिल हुए। मंगलवार की सुबह राज कौशल को हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। मंदिरा बेदी के पति राज की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। दोस्त और परिवार के लोग सदमे में हैं। और अब राज कौशल के चले जाने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर सुलेमान मर्चेंट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि राज को जब हार्ट अटैक आ रहा था तो इसकी जानकारी उन्होंने मंदिरा बेदी को दी थी। सुलेमान का कहना है कि वो सोमवार शाम मंदिरा और राज के घर पर ही थे। राज काफी अजीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक एंटासिड की गोली ली और समय चलना शुरू हुआ। सुबह 4 बजे राज और अजीब महसूस करने लगे। राज ने मंदिरा को भी बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। सुलेमान ने आगे कहा कि मंदिरा ने तेजी के साथ आशीष चौधरी को फ़ोन किया और वो एकदम उनके घर पहुंचे। मंदिरा और आशीष ने राज को गाड़ी में बिठाया क्योंकि वो बेहोश हो रहे थे। शायद ये लोग राज को लीलावती हॉस्पिटल लेकर गए। 5 से 10 मिनट बाद इन लोगों ने देखा कि राज की पल्स नहीं है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही राज ने दम तोड़ दिया था। सुलेमान ने कहा कि राज को एक बार पहले भी अटैक आ चुका है। 30 से 32 साल की उम्र में उनके साथ ऐसा हुआ था, जिसके बाद से वो खुद की फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इस वीडियो में इतना ही।